हे क्रिएटिव गर्ल्स, हाउ यू ऑल। सो आ गई हूँ मैं एक नए वीडियो के साथ में, और इस वीडियो में मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग आपके साथ में एक ब्यूटीफुल सा जोकर शेयर करने वाली हूँ। इसमें इस बार मैंने प्रिंट कुछ अलग लिया है, एंड ये जयपुरी प्रिंट है, और जयपुरी प्रिंट बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। यू कैन सी इसकी कलर कॉम्बिनेशन इतनी सॉफ्ट एंड ब्राइट है, मुझे बहुत अच्छा लगा। सो मैं इसके साथ में बनाने वाली हूँ एक चोकर, लेयर चोकर, और आगे देखते हैं कि ये चोकर कैसे बना रहे हैं हम। सबसे पहले क्या करना है, फैब्रिक का एक स्ट्राइप लेना है जिसका लेंथ मैंने लिया है 11 इंचेस। जिसको हम फोल्ड करेंगे तो इसका लेंथ हमारे पास में बचेगा 9 इंचेस। सो आई थिंक मोर देन इनफ। इसके सारे साइड जो है वो आयन से आपको फोल्ड करना है। गाइस, यहाँ पे आयन जो है वो हॉट है, तो आप समझ ही गए होंगे। सो बस उसको फिक्स करने के लिए एजिंग को मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ एक फैब्रिक ग्लू, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है एक फैब्रिक ज्वेलरी के लिए। सो बस उसको फिक्स करने के लिए वी नीड टू अप्लाई फैब्रिक ग्लू ऑन द एजिंग, यस, एंड लिव इट फॉर 2-3 मिनट्स। बहुत जल्दी सूख जाता है, एंड वी नीड टू फोल्ड लाइक दिस। यू कैन सी आपने कि यहाँ पे चीज़ नोटिस की होगी कि मेरे सारे मोटिव्स हैं ना वो एक ही लाइन में और एक ही साइज़ में है। बिकॉज फिनिशिंग इज़ योर फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ योर ज्वेलरी। कोई भी आपकी ज्वेलरी को देखेगा तो सबसे पहले वो फिनिशिंग देखेगा कि आपने कितना फिनिशिंग एंड नीटली काम किया है। सो गर्ल्स, इफ यू आर लुकिंग फॉर दिस टाइप ऑफ टेक्निक, सो यू आर ऑन राइट चैनल एंड यू आर वॉचिंग अ राइट वीडियो। सो गर्ल्स, मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मेटल सीक्वेंस। मेटल सीक्वेंस मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इसका जो शाइन है वो मैट शाइन है, बिल्कुल भी चमकीला नहीं है, बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन कॉटन फैब्रिक। ओके, सो कॉटन फैब्रिक के लिए मेक श्योर आप इस टाइप के मटेरियल यूज़ कीजिए जो आपकी ज्वेलरी को और एलिगेंट एंड बहुत ही सिंपल एंड यूनिक बनाता है। सो मैं यहाँ पे सीक्वेंस एंड बीट वर्क कर रही हूँ। इस हैंड वर्क को बीट वर्क कहते हैं, बीट और सीक्वेंस वर्क कहते हैं। बस इसको स्टिच करना है, और हमने फिक्स तो इसको पहले ही कर दिया था एक फैब्रिक ग्लू से। तो बस उसको थ्रेड को लॉक करने के बाद उसको कट कर देना है। अब देखिए, अब पता चला आपको कि इसको फिनिशिंग हम क्यों क्यों कह रहे हैं। बस अभी हमें और एक काम करना है इसमें, क्योंकि ये थोड़ा सा बहुत सिंपल लग रहा है। तो मैं यहाँ पे ना ड्रॉप चाम यूज़ करने वाली हूँ। ड्रॉप चाम को मैं स्टिच कर रही हूँ। यू कैन सी मैंने अब तक इसको बैक साइड से स्टिच नहीं किया है, बिकॉज अभी हमें और थ्रेड वर्क बाकी है। तो ये करने में काफ़ी ज़्यादा ईजी रहेगा निडल को पास करने के लिए। वैसे हम इसको बैक साइड से स्टिच करके भी कर सकते हैं, बट उसमें थोड़ा फिनिशिंग इशू आएगा, बिकॉज हम बना रहे एक हाईली फिनिशिंग चोकर। तो ये चीज़ें हमें बहुत ध्यान में रखनी है। ओके, सो बस स्टिचिंग के बाद आपको उस थ्रेड को लॉक कर देना है। सेम प्रोसेस, थ्रेड को लॉक करने के बाद ही कट करना है उसे। सो ये चोकर का ऑलमोस्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। हमने चोकर का एक बहुत अच्छा वाला बेस रेडी कर दिया है। यू कैन सी मैंने यहाँ पे कोई भी कार्डबोर्ड नहीं यूज़ किया है इसकी थिकनेस के लिए, बिकॉज़ हमने ऑलरेडी इसको इतने अच्छे साइड से फिनिश कर दिया है ना कि हमें इसकी और कोई ज़रूरत नहीं है। अब क्या करना है, इस पर फैब्रिक ग्लू अप्लाई करना है, एंड फैब्रिक ग्लू अप्लाई करने के बाद हमें इसको स्टिक करना है। स्टिक करने के बाद में अगर आपके पास में स्टिचिंग मशीन है देन आप इस पर स्टिचिंग कर सकते हैं, अदरवाइज आप फैब्रिक ग्लू के साथ भी काम कर सकते हैं। डोंट वरी, ये बिल्कुल नहीं खुलेगा, एंड जहाँ पे आपको गैप लग रहा है ना उसको एक बार या फिर तो आयन कर दीजिए या फिर आप इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा ग्लू अप्लाई कर दीजिए। अब हम इसमें बना रहे हैं एक लेयर, इसको थोड़ा सा मॉडर्न बनाने के लिए, बिकॉज देसी एंड मॉडर्न का जो कॉम्बिनेशन है ना वो बहुत अच्छा लगता है। तो बस इसको थोड़ा सा वेस्टर्न लुक देने के लिए ना मैंने यहाँ पर एक चेन ऐड करी है, जिस इसीलिए मैंने इसका नाम रखा है लेयर चोकर। एंड मैंने यहाँ पे एक एलिजाबेथ का कॉइन यूज़ किया है। अगर आपके पास में यहाँ पे इनेमल चार्म्स हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगेंगे, बट मैं इसको थोड़ा सा एथनिक वेयर के लिए बना रही हूँ। सो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने किस तरीके का मटेरियल यूज़ किया है। सो उसी तरीके से आपको सारे जो डिटेलिंग के लिए आप जो भी मटेरियल यूज़ कर रहे हैं मेक श्योर वो एक दूसरे के साथ में अच्छे लगते हों, एक दूसरे के साथ में उसका कॉम्बिनेशन हो। बहुत ही सिंपल एंड इजी है इसको बनाना एंड सेल करना। यू वॉन्ट बिलीव, ये बहुत ही अच्छा लगता है पहनने के बाद में। सो मैंने इसको एक
वाइट चिकनकारी फ्रॉक के साथ में इसको स्टाइलिंग किया है एंड यू कैन सी इतना प्रिटी लग रहा है। एंड मैंने सॉलिड वाइट कलर इसलिए पहना है बिकॉज कोई भी कलर चाहिए उस पर काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट होती है, मेरा चोकर हाईलाइट हो इसलिए मैंने हेयर स्टाइल भी बहुत सिंपल बनाई है एंड ईयरिंग मैंने नहीं पहने हैं। इस बात का हमेशा खास ध्यान रखना कि अगर आप स्टेटमेंट चोकर या फिर स्टेटमेंट नेकपीस पहन रहे हैं तो आपको ईयरिंग ज़रूर स्किप करना है। आप बैंगल्स पहन सकते हैं या फिर आप एक कड़ा पहन सकते हैं हाथ। So yeah, that was for today and thank you so much for watching, and if you have started your work then best of luck, please like, share and subscribe to my channel. Bye bye.